ऑलराइट, तो मैं अभी आया हुआ हूँ दिल्ली में एंड यहाँ पे मुझे बस एक दिन का काम था और मेरा काम जो स्टार्ट होने वाला था 10:30 बजे से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा जामा मस्जिद घूम के आ जाए, क्योंकि मेरा जो ये होटल है यहाँ से जामा मस्जिद बस 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं कभी गया हूँ नहीं। मैं सोचा चलो सुबह सुबह उठते हैं एंड चलते हैं। सो अभी 6:50 हो रहा है एंड मैं यहाँ से बस निकलने वाला हूँ, लेट्स गो। लेकिन एंट्रेंस जो है वो मैं मीना बाजार के अंदर से ले रहा हूँ, यहाँ पर भी सारी दुकानें बंद हैं और बहुत ही कचरा हो रखा है। एक चीज़ अच्छी है कि खाली है। हाँ जी, तो ऐसा है अब कि यहाँ आया था सुबह सुबह एंड पता चला कि 10 बजे से पहले एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि पहले सुबह सुबह लोग भाग जाते थे, बट आई डोंट नो, एक बंदे ने कहा कि 10 बजे से पहले एंट्री नहीं मिलेगी, उस पर थोड़ा ज़्यादा यकीन नहीं है मुझे, किसी और से भी पूछ लेता हूँ एक बार, उसके बाद ही वापस जाएंगे। ऑलराइट, तो मेरा कट चुका है, जामा मस्जिद अलाउड नहीं है 10 बजे से पहले। पहले सुबह सुबह जाते थे बट अब मैंने पूछा 2-3 लोगों को, सबने मना किया। पीछे थोड़ा थोड़ा जामा मस्जिद दिख रहा है, वही देख के काम चलाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ से पास में लाल किला है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लाल किला घूम कर आ जाता हूँ, लेट्स गो। 17 मिनट लगेगा चल के जाने में, मैं सोच रहा हूँ चल चल के जाता हूँ, क्योंकि ये सब देखने को मिल रहा है रास्ते में, काफ़ी बढ़िया डेकोरेट कर रखा है उन लोगों ने। ये कार वाले भाई जी मेरे को बोल रहे थे कि भैया ध्यान से पकड़ना, पता चला वीडियो बनाते बनाते कोई ये लेके भाग गया और आपकी फिल्म बन जाएगी। तो हाँ, मैं बता रहा था कि लाल किला जा रहा हूँ, लाल किला जाने में यहाँ से 17 मिनट लगेगा चल के, तो मैं प्रीफर कर रहा हूँ चल के जाना, क्योंकि थोड़ा गली वली अच्छा लग रहा है देख के, पुरानी दिल्ली, सो लेट्स गो। हाँ जी, तो मेरा फिर से कट चुका है, क्योंकि लाल किला में जैसे ही एंटर करने जा रहा था तो वहाँ पर बोला गया कि 8 बजे से पहले नहीं होगा और अभी बज रहे 7:30। वो आज हर जगह कट रहा है, लेकिन एक चीज़ मेरे को सीखने को मिला कि सुबह उठने से कुछ नहीं होना, आराम से भाई लेट उठो सब कुछ खुल जाएगा, आराम से बिंदास घूमो, क्योंकि सुबह उठ के हर जगह डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। कितना मस्त 5:30 बजे उठा था मैं आज, पूरा वेस्ट। सोच रहा था थोड़ा और सो लेता, कल 2 बजे सोया था, ज़िंदगी बर्बाद हुई गवा। कोई नहीं, 8 बजे का इंतज़ार करते हैं, 8 बजता है तो फिर जाते हैं लाल किला के पास, देखते हैं। बट मेरे पास टाइम भी जाते नहीं, और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 बजे के बाद अगर खुलता है जामा मस्जिद, 10 बजे के बाद खुलता है तो तुम 10 बजे के बाद चले जाना, लेकिन नहीं, 10 बजे के बाद मेरे को दूसरा काम है, जिस काम के लिए मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो फिर वो करना होगा इसलिए। तो वेट करते हैं, फिर लाल किला चलते हैं। A few moments later. तो फाइनली मैं लाल किला के अंदर आ गया हूँ, अंदर तो नहीं आया, मतलब बाहर ही हूँ अभी भी। व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दिल्ली गेट है एंड यहाँ से फिर रास्ता है आगे जाने का, तो मेन जो गेट है वो आगे की ओर है, तो वहाँ पे अभी जा रहा हूँ, वहाँ से देखते हैं कैसा है, एटलीस्ट आज सुबह उठना थोड़ा सफल हो जाए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि अभी एकदम खाली है, मस्त अकेला घूम रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक रहती है, मतलब मैं फ़ोटोज़ में देखा हूँ यहाँ पे पूरा भरे रहते हैं लोग एकदम। आज काफ़ी खाली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक फ़न फैक्ट बताता हूँ लाल किला के बारे में, लाल किला अभी जो हमें लाल दिखता है ये एक्चुअल में जब बना था तो लाल नहीं था, ये वाइट था, इनफैक्ट ये वाइट स्टोन से बनाया गया था, बट क्या हुआ कुछ सालों बाद वो वाइट स्टोन निकलने लगा था, तो ब्रिटिशर्स ने इसको रेड पेंट कर दिया, एंड क्या खतरा पेंट किया, मतलब अभी भी लाल है। ऐसे पेंट अब नहीं मिलते क्यों? ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आगे भीड़ बढ़ रही है एंड द अमाउंट ऑफ भीड़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय फियर ऑफ व्लॉगिंग, सो विश मी लक। ऑलराइट, तो फाइनली जो फ्रेम हम लोग अक्सर टीवी एंड फोटोग्राफ्स और सब में देखते हैं वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ,
एंड ये जगह सीरियसली ट्रस्ट मी, अगर आप नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट्री भी देखोगे यूट्यूब पे, कहीं पे भी देखोगे, तो ये जगह भरी रहती है लोगों से, एंड आज ये पूरी खाली है। कितना मस्त लग रहा है ये, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है। GoPro में उतने अच्छे से शायद से नहीं दिख रहा है, मैं फ़ोन से भी रिकॉर्ड किया हूँ तो मैं रील्स में डालूंगा, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, पूरा खाली खाली खाली, एकदम मस्त। तो अगर आप लोग कभी प्लान करो यार रेड फोर्ट आने का, तो सुबह सुबह ही आओ, बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है मज़ा ही नहीं आएगा। फोटोग्राफ्स भी लोगे तो लोग पीछे पब्लिक आएगी, तो इससे अच्छा है अकेले, मैं तो अकेले फोटोग्राफ ले नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल अच्छी आएगी। तो इस जगह पे मैं अकेला आया था, फिर भी मुझे फोटोग्राफ्स लेने में 15 मिनट तो लग ही गए। तो अगर आप लोग दोस्तों के साथ सुबह आ रहे हो तो यहाँ पर तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे यार। अब कोशिश तो मैंने बहुत की एक बढ़िया थंबनेल लेने की लाल किला के साथ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो जो आया है उससे काम चलाना पड़ेगा, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है। 8:20 हो चुका है, मेरे को होटल जाना है वापस, फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करना है एंड फिर निकलना है, 10:30 बजे मुझे पहुँच जाना है। सो लेट नहीं करते हैं, अब यहाँ से वापसी चलते हैं, और चलते चलते आप लोगों को एक फैक्ट और बता देता हूँ। जब लाल किला बना था तो इसका नाम लाल किला नहीं था, इसका नाम था किलाए मुबारक, उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया। ऑलराइट, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ से निकलते हैं। अब अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने टिकट नहीं लिया। हाँ, तो बस यही था आज के व्लॉग के लिए। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एटलीस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बहुत ज़्यादा मेरा मन था जामा मस्जिद जाने का, मैं पूरा प्रिपेयर होकर आया था, क्या क्या शॉट्स लेने हैं, सब कुछ डिसाइडेड था, बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तो ठीक है, एनीवेज फिर कभी आ जाएंगे जामा मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लाल किला का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड 1000 सब्सक्राइबर दिखा दीजिए यार, और बस कुछ सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस।